फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज अभी मैं इनको मैंने इन्वर्टर के बारे में बताया हूँ, रिपेयरिंग सिखाया हूँ इनसे। मैं अभी एक फॉल्ट करके दिया था, छोटा सा फॉल्ट करके दिया था कि इसको रिपेयर करो और मुझे पता चले कि हाँ इनको थोड़ा आइडिया मिला कि नहीं मिला। जैसे मैंने इनको बता चुका हूँ कि कोई भी इन्वर्टर का पीसीबी अगर रिपेयरिंग के लिए आता है ना, तो पहले सबसे पहले आईसी का पिन डिटेल जानना जरूरी होता है। आईसी का पिन डिटेल अगर आपको पता नहीं है तो रिपेयरिंग करने में बहुत सी दिक्कत आती है। नॉर्मल चीज़ आप निकाल सकते हैं, जैसे रिले का वोल्टेज कैसे निकलेगी, एसी वोल्ट रिले का जो ऑन करने का वोल्टेज कहाँ से होगा वो आराम है खोज लेंगे आप, पंखे का खोज लेंगे। ज़्यादातर दिक्कत आती है गेट के सर्किट को खोजना, मतलब गेट के गेट का जो ऑन करने के लिए जो पल्स आता है आईसी से, वो किस पिन से आउट हो रहा है उसको खोजना बहुत ज़रूरी होता है। ओवरलोड में, लो बैटरी में, इन सबको पिन के बारे में सब कुछ बता रखा हूँ। अब इनसे ये सिर्फ पूछना था, मैंने फॉल्ट करके दिया हूँ कि 5 वोल्ट नहीं बन रहा है ना, या ये सेट ऑफ हो गया तो क्या करेंगे ये, इनसे हम पूछते हैं। अभी ये सेट ऑफ कर दिए हमने और इनको देते हैं कि ये रिपेयर करके क्या क्या खराब है वो मुझे बताएंगे। तो क्या नाम है आपका? मनीष नाम है। आपने ये इन्वर्टर रिपेयरिंग करने के लिए सीख रहे हैं? जी सर। कुछ समझ में आया? प्रैक्टिकल कितने दिन से, 4-5 दिन से करा रहे हैं आपको? जी। कुछ तो आइडिया मिला ना? जी सर। अभी इसमें हमने फॉल्ट करके दिया है, आपको रिपेयर करना है, कैसे करेंगे करके दिखाओ। फॉल्ट क्या है पता है जी? पहले इसमें फॉल्ट क्या है वो पता है? नहीं पता। नहीं, तो मैंने आपको दिया हूँ तो सबसे पहले आपको वोल्टेज चेक करना है, क्या वोल्टेज नहीं बन रहा है ना, और ये पीसीबी ऑन कंडीशन में है या ऑफ कंडीशन में, ये जानना होता है। तो उसके लिए पहले वोल्टेज ही देखना होता है, 5 वोल्ट 12 वोल्ट है कि नहीं इसमें, है ना। तो अभी देखो 12 वोल्ट है, जी सर, इसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं। हाँ, स्विच ऑन किया हुआ है, मैंने इसको पीसीबी शॉर्ट करके दिया हूँ, मतलब ऑन जैसे ही वोल्टेज बन जाएगी तो ऑन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम, अभी ऑन नहीं हो रहा जी। पहले सर इसमें हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। अच्छा, माइक्रो इनमें बोलो सर। पहले इसमें हम 5 वोल्ट चेक करेंगे। 5 वोल्ट चेक करेंगे जी सर। उसके बाद में सर 5 वोल्ट कहाँ बने, कहाँ कहाँ चेक करेंगे सर? माइक्रो आईसी में, माइक्रो आईसी में, क्योंकि वो उसका सप्लाई पिन है, सप्लाई पिन है ना। देखो आ रही है, ये 20 नंबर है सर। नहीं आ रही जी, है ना। ये कहाँ से आता है सर? ये आता है रेगुलेटर आईसी से। रेगुलेटर आईसी से, कहाँ है रेगुलेटर आईसी सर? ये देखो उस पे है, रेगुलेटर आईसी पे नहीं है। नहीं है सर। इस पे कहाँ से आता है सर? इस पे आता है देखो, शॉर्टकट तरीका ये है, मैंने इनको समझा दिया हूँ। शॉर्टकट तरीका ये है कि कहीं से भी आता होगा, जब तक उस पर इनपुट में वोल्टेज नहीं आएगी, आउटपुट में नहीं निकलेगी, सीधी सी बात है। तो आप दूसरा तरीका भी है अपना, 12 वोल्ट का सप्लाई भी लगा सकते हैं कि अगर इसमें से बोर्ड से कहीं से नहीं आ रही तो अपना मॉड्यूल लगा लो 12 वोल्ट की, वो 12 वोल्ट उसे देंगे, आउटपुट निकल जाएगा, है ना। या फिर किसी भी जगह से 12 वोल्ट डायोड लगा के, रेजिस्टर लगा के, जो भी चीज लगा के होगा उस पे इनपुट में जरूर आ रहा होगा, है ना। ये पहले कंफर्म कर लो, कहीं से भी 12 वोल्ट आ रहा होगा। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई रेजिस्टेंस लगा के ही आ रहा है, हो सकता है डायरेक्ट हो, डायोड लगा के हो। तो अभी अगर ये शॉर्टकट तरीका मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको जैसे समझना है तो कोई तार दो इसकी, कोई तार दो देखो, यहाँ डेली बैठ के रिपेयरिंग करते हैं, इनको पता है तार कहाँ रखी है, ठीक है, हमें पता नहीं है। अब देखो ये जो है, ये हमने 12 वोल्ट कहाँ से आता है वो मैं बता दूँ, इधर से आता है, ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है रेजिस्टेंस खराब हो, है ना। देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ये 12 वोल्ट यहाँ से देखो बन रही है ना, यहाँ पे नहीं बन रही है ना, और यहाँ पे बन रही है, इधर 12 वोल्ट आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, ये रेजिस्टेंस खराब है जी, है ना। तो रेजिस्टेंस से वोल्टेज यहाँ पे आएगी, तो रेजिस्टेंस से कैसे आएगी वो मैंने पहले दिखाता हूँ। इसको बंद करो, ये बंद हो गया। ये जो है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैंने जो इनको तरीका बताया था, देखो ये जो लाइन है,
ये देखो ये लाइन यहाँ से ओपन हो चुका है, मतलब ये जो 12 वोल्ट ना इस रेजिस्टेंस से होके यहाँ पे इनपुट में आता है। तो अगर मुझे नहीं पता था कि इस पे कहाँ से आएगा या रास्ता नहीं मिल रहा है, शॉर्टकट तरीका है किसी को भी 5 वोल्ट बनाने के लिए ना, जो 78L05 लगी हो या 5 वोल्ट 12 वोल्ट की 5 वोल्ट की रेगुलेटर लगी हो, तो उसके इनपुट में 12 वोल्ट या 9 वोल्ट 8 वोल्ट दे सकते हैं, तभी आउटपुट होगा। तो अगर नहीं है, मैंने देख लिया इनपुट वाला पिन दिख गया, मतलब जहां से इनपुट आउटपुट होके आईसी में जाएगा वो पिन दिख गया, तो उसके इनपुट में कहां से आता ये नहीं दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पे कहीं से भी एक वोल्टेज ले लेंगे रेजिस्टेंस जहां पे 12 वोल्ट बन रही है। अगर हम इस पे डायरेक्ट ले लेंगे इससे, तो एक डायोड लगा के लेंगे, नहीं तो क्या होगा इसकी वोल्टेज में ज्यादा एम्पियर होती है और वो जहां पे हम डाल रहे हैं ना वहां पे कुछ और वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा तो वो जल सकती है ना। तो हम कोई ना कोई रेजिस्टेंस लेते हैं अभी, क्योंकि रेजिस्टेंस लगाने से वो वहां पे लोड कम हो जाता है ना। अब मैं यहाँ पे इनपुट में दूसरे रेजिस्टेंस पे देखो, इसको चेक करो, पहले इसको चेक करो 12 वोल्ट के लिए, उसमें 12 वोल्ट है, देखो एमीटर लगाओ, इसको लगा के नेगेटिव छोड़ दो, नेगेटिव छोड़ दो, छोड़ गया, स्विच लगाओ, नहीं नहीं ये बंद, बंद है, चालू करो बोर्ड, चालू करो, हाँ ये देखो 12 वोल्ट बन रही है ना, अभी 12 वोल्ट बन रही है। देखो मैं यहाँ से 12 वोल्ट बन रही यहाँ से ले रहा हूँ, है ना, दूसरी जगह से नहीं ले रहा हूँ, जहां से आती है वहां से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अभी तो हमने बता दिया कि यहाँ से खराब है, लेकिन अगर कोई और बोर्ड है अब कंफ्यूजन में है कि वो मिल ही नहीं रही कहाँ से आ रही, जरूरत क्या है, जरूरत क्या है खोजने की, हमने कहीं से भी लेके उसे हम यूज कर लेंगे कि वो इनपुट पिन पे 12 वोल्ट दे देनी है। अभी देखो 12 वोल्ट इस पे बन रही है जी, इसको चेक करो, ये देखो लगाओ उस पे 12 वोल्ट पे बन रही है जी सर। अब यहाँ पे मैं इसको टच करता हूँ 5 वोल्ट पे, तुम देखोगे आ रही है कि नहीं, है ना, मैं इसको टच कहाँ पे करता हूँ, जहाँ वो रेगुलेटर को इनपुट में देना है, ये देखो इनपुट दिया, चेक करो, चेक करो, पहले गिनती करो, पहले आराम से पहले गिनती कर लो, कितने नंबर पिन है, 20 नंबर, गिनती करो जोर से बोलो, 20 उस पर लगा कर रखो, लगा कर रखो। अब मैंने इसके रेगुलेटर के इनपुट में दिया हूँ, 5 वोल्ट बन रहा है ना जी, बन रहा है, सेट ऑन हो गया जी। तो हमेशा जैसे सर्किट कंपनी ने बना दिया उसके भरोसे नहीं रहे जी, अपना भी कोई तजुर्बा लगानी है कि अगर 5 वोल्ट वहां से आ रहा, 12 वोल्ट वहां से आ रहा था तो ये दे रहा था, हमने अपना बल लगा दिया है ना। तो अब क्या समझ में आया कि वोल्टेज आईसी की नहीं जा रही है ना, एक रेजिस्टेंस खराब है इसलिए। तो अभी इन्होंने रेजिस्टेंस लगा दिए और ये ऑन हो चुका है, मैंने जो तार से लगाया था कहीं और से वोल्टेज, मुझे कंफर्म था कि ये रेजिस्टेंस खराब होता है क्योंकि इसकी वोल्टेज यहाँ से आते हैं, अभी ऑन हो चुका है, ये देखो ये ऑन हो चुका है, पूरी ओके कंडीशन में है। और आपको इसको चार्जिंग भी दिखाओ, चार्जिंग दिखाओ, ये इसका फैन लगी है, ये एसी डाल दिए, ये देखिए रिले ऑन हुआ, ये देखो चार्जिंग में जा रही है ये पंखा, और पंखे जो है हमने चेक करने के लिए छोटा सा लगा रखे हैं और ये अभी चल रहा है, ये देखो है ना, इस तरह से रिपेयरिंग करते हैं, ये ऑन कंडीशन में बिल्कुल ओके है, अभी इस पर वोल्टेज भी देखेंगे तो आ जाएगी, लेकिन ओके ओके है, ठीक है, बंद करो, ऐसे रिपेयरिंग करना है, समझ में आए। इनको आइडिया पूरा हो चुका, क्या है कि अभी प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं है और एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा नर्वसा रहे थे, क्योंकि अब आईसी का पिन नंबर इनको 20 याद है लेकिन किधर 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 ऐसे थोड़ा सा लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा मतलब और 2-4 दिन करेंगे पूरी तरह से सक्सेस हो जाएंगे रिपेयरिंग करने के लिए। और अगर आपको सीखना है हमारे यहाँ तो आप आइए, इन्वर्टर का पूरी रिपेयरिंग सिखाते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मोटर कंट्रोलर चार्जर LED TV लिथियम बैटरी रिपेयरिंग भी करते हैं और रिपेयरिंग सिखाते भी हैं, डेली हमारे पास पीछे ही रिपेयरिंग हो रही है, रिपेयरिंग करते हैं, चाहे कोई भी बैटरी हो, किसी भी कंपनी की हो, इन्वर्टर कोई भी कंपनी की हो, किसी तरह की हो, 900 VA 800 VA 1200 VA जो भी हो, सभी तरह की रिपेयरिंग करते हैं। आप रिपेयरिंग के लिए मुझे दे भी सकते हैं और रिपेयरिंग के लिए आकर सीख भी सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंपोनेंट्स लेना है, आईसी है, मॉसफेट है, ट्रांजिस्टर है, रेगुलेटर आईसी है, मॉड्यूल है, जिसके कई बार 12 वोल्ट हम नहीं बन रहा है, इधर उधर समझ नहीं आ रही, तो उसके अलग अलग जगह के अलग अलग मॉड्यूल बना रहे हम, वो आप मेरे से ले सकते हैं,
जो एकदम सक्सेस वाली है, जो मार्केट में जो है आप लेते हैं एम्पेयर नहीं ले, लोड नहीं ले रहा, तो ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी हम पंखे का भी एक ऐसा ला रहा हूँ, किसी ने बोला था कि सर पंखा तो चलता ही नहीं है, बाकी सब कुछ सही है, और पंखा चलाने के लिए हम कैसे करें? उसका एक सर्किट है, पंखा चलाएंगे 12 वोल्ट से चल जाएगी, लेकिन बंद भी हो जाएगी, ऐसा भी है, ठीक है। ऐसा आप खरीद सकते हैं मेरे से और सीख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।